Скажи, намасте. 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 Да, это привет. Намасте. और एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर सकते हैं। देखो यहाँ की ये बोतल है, ये बोतल 17 यूरो की है, ये एक अल्कोहल की बोतल है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अल्कोहल ही उड़ती है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट से अल्कोहल लेके जाते हैं। तो देखो ये 23 यूरो की एक बोतल है। ये खाना मिला है अभी, कुछ सलाद है, ये बटर वगैरह है, बटर और चीज़ ब्रेड। इसमें आता ठंडा पानी, ऐसे दबा देते हैं, इसमें आता गर्म पानी और ये वो है हेयर का बनिए, इसके अंदर टूथब्रश मिलती है। और मैं भी बताता हूँ खोल के, टूथब्रश और टूथपेस्ट मिलता है इसमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और ये रानो शाह। मैं अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे एरो एक्सप्रेस से। मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैं कैसे एयरपोर्ट पहुँचता हूँ और क्या क्या करना होता है। एक्चुअली ये मेट्रो है, मैंने डायरेक्ट वहाँ से लिया और ये डायरेक्ट सरमनतोवा पर जाती है। और मेरा टर्मिनल डी है और अभी हम जा रहे हैं, मेट्रो के अंदर है अभी हम। और देखो मैं आपको बाहर का सीन दिखा देता हूँ। ये देखो ये है बाहर का सीन। सो, मैं अभी सबको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है यहाँ पे, किसी को कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो से समथिंग। ये मॉस्को में रहती है और इसने मेरी बहुत हेल्प करी है, शी हेल्प मी अलॉट एंड फाइनली आई एम गोइंग एंड शी इज़ स्टिल विथ मी। यू नो, यू सी दैट हाउ दोबरे शी इज़, आई मीन दोबरे मीन लाइक काइंड, या आई फॉरगॉट इंग्लिश, हाउ काइंड शी इज़। तो देखो मैं आ गया हूँ टर्मिनल डी पे। एक्चुअली मैं टर्मिनल बी पे उतरा था और वहाँ पे ये गाइड करते रहते हैं और चेकिंग होती है बैग की, और उसके फाइनली बाद में मैं टर्मिनल डी पे आ गया और मैं आपको मिलाता हूँ अक्षय भैया से। ये हैं जो सुपरस्टार है रियाजान के, ये रियाजान में पढ़ते हैं और ये मेरे सीनियर है और इसको तो आप जानते ही हैं। तो अभी क्या है, मेरा लगेज ज़्यादा हो गया और तो ये हम लगेज एक्सचेंज कर रहे हैं। और देखो ये है एयरपोर्ट और अभी वहाँ पे कोरोना टेस्ट होएगा। कोरोना टेस्ट होने के बाद में मैं चेक इन करूँगा, चेक इन करने के बाद में मतलब जो मेरा लगे वो जमा हो जाएगा। देखो ये पैक कर रहे हैं यहाँ पे, अभी ये है, ये पैक कर रहे हैं अभी इसको, इनको। देखो मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे हूँ और अभी कोरोना के टेस्ट के लिए जा रहे हैं और ये मेरी हेल्प करी है और मेरे साथ एक सीनियर भी है, ये कोटा के हैं। देखो ये रियाजान पढ़ते हैं, बेसिकली कोटा से हैं और सुपरस्टार है वहाँ के। देखो ये अपना मूवी दिखा रहे हैं सुपरस्टार के नाम से। और अभी हम यहाँ पे, ये मेरी एक्चुअली हेल्प कर रही है, मेरे साथ जान नहीं रही है, हम अभी देख रहे हैं कहाँ पे कोविड का टेस्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर हो रहा है कोरोना का टेस्ट और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितने में और कैसे कोरोना का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ये है PCR टेस्टिंग, यहाँ पे कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं और कितने में, और अच्छा है 60 मिनट के अंदर 3500 रूबल के अंदर टेस्ट कर रहे हैं, 60 मिनट में मिल जाएगा। चलो ये वाला ही करवा लेते हैं, 60 मिनट में, टाइम ज़्यादा नहीं है, चेकिंग भी करानी है। मैं अभी मोबाइल से वीडियो ले रहा हूँ, ये देखो मेरा वीडियो बना, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ इनका, ये मेरा टेस्ट करने वाले हैं कोरोना का, 3500 रुपये लगे हैं और ये मेरा वीडियो, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मेरे टेस्ट करने वाले हैं। सो देखते हैं क्या करते हैं, बोले मैं कुछ बैटरी लेके आना है और ये कर रही है इना, उनका नाम इना है और ये मेरा भी टेस्ट लेता है। कोरोना टेस्ट कराता इसका जी। नमस्ते। 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 दा तो प्रीवियर। नमस्ते। हाँ, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। सो गाइज, मैंने कोरोना का टेस्ट करा लिया है यहाँ पे अभी कोरोना का, और जिसके साथ मैंने टेस्ट कराया था, मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करी थी और वो मेरी फ़ैन हो चुकी है और उसने मेरा नंबर मांगा है, वो मेरी वीडियो भी देखेगी होने के बाद में। और अभी ये ऑलरेडी लेट हो चुकी है, ये सुबह से मेरे साथ है, तो चलिए मैं इसको ड्रॉप करके आता हूँ और मैं इसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इसको डीप ऑफ माई हार्ट थैंक यू वेरी मच दैट तुम मेरे साथ आई इतनी दूर तक और मेरे सुबह से हेल्प करी। अरे मैं हिंदी में बोल गया, ओके। सो अभी मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ इसको दोबारा, और मैं तुम्हारा जो गिफ्ट है वो यूपी तक पहुँचा दूँगा, ओके। समझ जाओ यूपी कौन है, स्पेशल पर्सन है जो इसके लिए, यूपी वाला समझ गया ऑलरेडी कौन है। तो चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, ओके।
सो गाइज देखो, मैंने चेकिंग करा लिया था, मेरा चेकिंग हो गया था और मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो भी अभी इस टाइम पे आ रहा है यहाँ पे, वो पहले एक एयर सेवा नाम की एक वेबसाइट होती है, इंडियन वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप अपना लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अपना डिटेल का डालें कि आप कोविड नेगेटिव आए हैं, और सारा उसके अंदर जो भी फिलअप करना रहता है, अपना नाम, एड्रेस, आप किस बस में, किस ट्रेन में आप जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरोगे तो किस बस से या किस ट्रेन से आप जाने वाले हैं या किस कार से जाने वाले हैं, आपका घर का एड्रेस क्या है और गाड़ी के नंबर क्या है, ये सब कुछ उसमें आपको फिल करना होता है। उसके बाद ही आपका चेक इन होता है। तो मैंने अभी चेकिंग कराया, तो जो भी पहले आ रहे हैं वो पहले से फिल कर लेना उस फॉर्म को, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यहाँ फॉर्म फिल करने में, और फॉर्म फिल करने के बाद में ही वो अंदर एंट्री देते हैं। देखो मेरा अभी चेक हुआ है सब कुछ, बैग वगैरह चेक कराया, फिर उसके बाद में बैग और ये कड़ा, देखो कड़ा, लैपटॉप वगैरह सब मेरा चेक हुआ है वहाँ पे। अभी चेक होने के बाद में मैं अंदर आया हूँ अभी, और मैं अभी अंदर हूँ तो अंदर मैं आपको अभी सब दिखाता हूँ। जो यहाँ पे बोलते हैं ना, जो टैक्स फ्री सामान मिलते हैं, ड्यूटी फ्री होते हैं, उनको मैं आपको दिखाऊँगा कि उसकी क्या प्राइस मिलती है और कैसे सामान रहते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी पूरा खुल के एकदम डिटेल में बताता हूँ और इसकी प्राइस बताता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है तो इनकी प्राइस मेरे को बहुत महंगी लगती है, पर चलिए मैं आपको एकदम खुल के दिखाता हूँ और उसके बाद में मैं एरोप्लेन के अंदर का सीन आपको पूरा एकदम खुल के दिखाऊँगा। तो देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ें वो होती है दारू या अल्कोहल, जो बोलते हैं सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट से उठाई जाती है वो चीज़ें होती है अल्कोहल। जैसे मैं आपको इसकी रेट दिखा दूँ, ये 10 यूरो की है, ये जो बोतल है ये 10 यूरो की है, और ये देखो 24 यूरो की, ये गोल्ड बर्ग की बोतल जो है अल्कोहल की, ये 24 यूरो की है। तो यहाँ पे जिस जहाँ तक मुझे लग रहा है तो सभी ही महंगी है। अगर अपन रशिया से कंपेयर करेंगे तो ये सब एकदम महंगी है। जैसे ये वाली दिखा दो 15 यूरो की जो बोतल आ रही है, अगर आप रशिया से लेंगे तो ये बहुत सस्ती पड़ेगी। यूरो बहुत, मतलब 1 यूरो में लगभग 80 to 90 तक रुपए होते हैं। देखो 54 यूरो की ये बोतल है, तो सबकी अलग अलग प्राइस है। जैसे मैंने ये वाली जो बोतल देखी थी रशिया में बहुत सस्ती थी, यहाँ पे 21 यूरो की आ रही है ये वाली, वोडका है ये, वोडका की बोतल। तो देखो जो भी अगर कोई आ रहा है यहाँ पे, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से मत लो। देखो जितनी भी यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री लिखते हैं ना, वो मेरे को नहीं लगता कि ये ड्यूटी फ्री है, क्योंकि हर चीज़ के प्राइस डबल या डबल से भी ज़्यादा। देखो ये गिर गया, शिट, कोई नहीं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ मिलती है यहाँ पे। ओनली अल्कोहल ही महंगी है या और भी चीज़ें महंगी? देखो ऐसे खाने का है यहाँ पे, खाने का जो है, देखते खाने के क्या प्राइस है। वैसे इसकी भी ज़्यादा ही प्राइस होती है, वैसे ये इंडियन है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको खाने की प्राइस, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं खाने का। और इधर देखो ये दिखाऊँ मैं आपको, जो ये रशियन डोल है इनकी प्राइस दिखाता हूँ मैं अंदर चल के, कि इन रशियन डोल्स की क्या प्राइस है और कितने का मिल रहा है ये रशियन डोल। देखो ये रशिया की मोस्ट फेमस चीज़ होती है ये जो रशियन डोल्स वगैरह। देखो खिलौने वगैरह भी हैं यहाँ पे, खिलौने की भी बहुत महंगी प्राइस है। और ये रशियन डोल है, ये रशिया की मोस्ट पॉपुलर चीज़ है, जो गिफ्ट रहते हैं ना रशिया के, जाता है तो रशियन डोल ही रहता है इसके अंदर। एक डोल के अंदर एक डोल, छोटी छोटी डोल्स रहती है, तो ये रशिया का मोस्ट पॉपुलर गिफ्ट बोलते हैं। तो इसकी यहाँ पे प्राइस लिखी हुई नहीं थी, तो ये दिखा दो। देखो यहाँ पे कोक वगैरह कितने की मिल रही है, एक पानी की बोतल 1.5 यूरो की है और कोक 2 यूरो की है। तो देख रहे हो अभी कितना महंगा है, 2 यूरो का मतलब लगभग 180-190 रुपये के आसपास हो गया है यहाँ पे। तो ड्यूटी फ्री तो मेरे को कुछ दिखता नहीं है कि यहाँ पे कुछ ड्यूटी फ्री लगा मेरे को सबके अंदर, उल्टा मेरे को लग रहा है एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज लगा दिया है इनके अंदर। ये सनग्लासेस का स्टोर है, यहाँ पे भी सबका बहुत महंगा है। तो मैं आपको और आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। देखो जैसे ये बार वगैरह है, और ये कितना अच्छा ये स्टेचू सा बन रहा है इनका, एस्ट्रोनॉट का, बहुत बढ़िया है सजावट, एकदम मस्त लगती है अंदर की। बट देखो यहाँ पे भी खा रहे हैं लोग बाग, बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और बट ये कि मेरे को कुछ चीज़ जो ड्यूटी फ्री बोलते हैं वो ड्यूटी फ्री लगती नहीं है। अब वो बात अलग है कि यहाँ पे ऐसे बोल के लगा देते हैं। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो सैंडविच है, सैंडविच लगभग 680 रूबल का है वो सैंडविच है जो, और ये केक वगैरह है। तो देख रहे हो तो यहाँ पे महंगा ही लगता है मुझे। नॉर्मली जो प्राइस है आउटसाइड से इनसाइड में महंगी लगती है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक जो बर्गर किंग है वो भी है। चलो मैं आपको बर्गर किंग दिखा देता हूँ, बर्गर किंग में क्या प्राइस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा वो बर्गर किंग, यहाँ पे बर्गर किंग को बुर्गर किंग बोलते हैं, बुर्गर किंग। तो ये रशिया में जो लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज है, उसमें बुर्गर किंग बोलते हैं यहाँ पे। चलो इसकी यहाँ के प्राइस देखते हैं कि यहाँ पे इस बर्गर किंग की प्राइस क्या हो रही है। बर्गर किंग की प्राइस क्या देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं, ईट इन पे सेलेक्ट करके अब देखते हैं कितने की यहाँ पे प्राइस आती है।
ओके सेलेक्ट करते हैं ऊपर न्यू प्रोडक्ट्स पे। अब देखो तो देख रहे हो यहाँ पे चिकन स्ट्रिप्स है, जो ये 5 स्ट्रिप्स आ रही 299 प्लस 300 रुपये के 5 चिकन स्ट्रिप्स आ रहे हैं। और देख रहे हो यहाँ पे सच में महंगा है, अगर आप बाहर से लेते हैं लगभग ये 100 रुपीज़ के अंदर, रूबल्स के अंदर पड़ जाता है एक्चुअली, पर यहाँ पे रियली बहुत महंगा है यहाँ पे। अगर किसी को भूख लग रही है तो देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, आप रेस्टोरेंट पे खाना खा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट देखो कितना खूबसूरत है, बेसिकली ये अरबी और इंडियन दोनों रेस्टोरेंट है, इसके अंदर अरबी भी रेस्टोरेंट है इंडियन भी है। और इसकी बनावट देख रहे हो आप कितनी अच्छी है, एकदम लकड़ी के घर यहाँ बने हुए हैं। देखो ये है एयरपोर्ट के इनसाइड के, और जो भी यहाँ पे आ रहा है ना एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखो मैं आपको इनकी प्राइस बता देता हूँ, जैसे ये जो बोतल है वाटर बोतल वगैरह है ये देखो कितने की मिल रही है, 150 रूबल की ये जो बोतल है ये मिल रही है। और यहाँ पर डायरेक्ट देखो आप यहाँ से अपना पैसा कैश या फिर कैशलेस पेमेंट कर सकते हो, और अपना नंबर डाल के जो भी है इसमें डालते ही अगर आपके पास कैशलेस है तो उसमें टच करते ही आपका पेमेंट कर जाएगा, बोतल आ जाएगी। तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ, अभी देखो रशियन डोल है शायद, इसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, इनकी प्राइस दिखाता हूँ यहाँ पे कितने की है। ओ माय गॉड, ये 16,000 की, अरे 16,000 की है ये रशियन डोल है, जो ये मैंने मेरे फ्रेंड के लिए मंगाई थी, ये 500 के अंदर मतलब 450 की आ गई थी ये वाली जो बड़ी वाली रशियन डोल है, और यहाँ पे 16,000 की रशियन डोल मिल रही है। इसके अंदर एक एक डोल होती है, पर इतना महंगा सोचो 16,000 की एक फ्लाइट वन वे का टिकट ऑलमोस्ट आ जाता है अगर आप पहले से बुक कराए तो। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे कुछ मेरे को कुछ भी सस्ता नहीं लगा, पता नहीं क्यों टोल ड्यूटी फ्री बोलते हैं यहाँ पे, क्यों टैक्स फ्री बताते हैं यहाँ पे, बट मुझे सब कुछ महंगा लगा। तो चलिए मैं आपको परफ्यूम की शॉप पे लेके चलता हूँ, ये परफ्यूम दिखाता हूँ मैं आपको परफ्यूम की क्या रेट चलती है यहाँ पे। तो ये परफ्यूम्स हैं यहाँ पे, बट परफ्यूम तो एक नंबर मिलते हैं यहाँ पे, परफ्यूम इतने मस्त है कि एक बार लगाते तो उसका बहुत मस्त रहता है। तो दिखाते, ये मेरे से पूछ रही है अभी तो कौन सा परफ्यूम मैंने इसको सजेस्ट कराया है। और ये देखो इसके, इसने ये स्ट्रिप लगाई है, स्ट्रिप के अंदर ये परफ्यूम लगा के देगी कि बताएगी कि, और फिर उसको बोलेगी कि आप इसको सूंघो और उसके बाद में अगर आपको पसंद आता है तो ले लो। और इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 150 यूरो, इसकी है नहीं 250 यूरो का है ये, 250 यूरो का एक सेंट की बोतल है देखो 250 यूरो की। तो ये मेरे को अलग अलग सेंट इसने मेरे को जो परफ्यूम है, सॉरी परफ्यूम इसने मेरे को ट्राई करवाया कि अगर आपको कोई पसंद आता है तो ले सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी आता है तो। बट ये महंगे हैं, बट ये वाले परफ्यूम बहुत बहुत अच्छे हैं, ये वाले जो लोकल परफ्यूम से और इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, बहुत बहुत अच्छे परफ्यूम मिलते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। सो गाइस देखा आपने कि महंगा तो बहुत है यहाँ पे, कि प्राइस देखो एक परफ्यूम की प्राइस लगभग 250 यूरो है, 250 यूरो के मतलब है 100 यूरो के अंदर लगभग 90,000, नहीं ज़्यादा बोले 9,000 9,000 के आसपास रहते हैं। तो आप देख लो लगभग 25-30 हज़ार का एक परफ्यूम का मिलेगा, बहुत महंगा है। और देखो ये बैग वगैरह हैं, तो यहाँ पे मोस्टली हर चीज़ मेरे को हर चीज़ महंगी लगी है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि महंगी है, महंगी का मतलब है कि बाहर से जो है ना वो यहाँ महंगी है। देखो यहाँ पे ये सब पैकिंग करा रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे जो भी सामान अंदर से लेते हैं वो पैकिंग करा रहे हैं। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ड्यूटी फ्री का मतलब तो सस्ता होना चाहिए बट ये बाहर से महंगा है, बट कोई नहीं एयरपोर्ट है, हो सकता है अलग से ड्यूटी कुछ चार्ज लगाते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो ये अल्कोहल वगैरह है वो फुल पैक हो करते हैं और उसका फुल बिल वगैरह आपको प्रोवाइड कराते हैं पूरा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये है एयरपोर्ट के अंदर का कोई भी जो रहता है ना, मतलब पूरा शॉप वगैरह जो यहाँ से सामान ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर सकते हैं। देखो यहाँ की ये बोतल है, ये बोतल 17 यूरो की है, ये एक अल्कोहल की बोतल है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अल्कोहल ही उड़ती है एक्चुअली, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट से अल्कोहल लेके जाते हैं। तो देखो ये 23 यूरो की एक बोतल है ये अल्कोहल की, और सबके ऐसे ही तरह ही प्राइस है, किसी का कितना मतलब थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर अल्कोहल ही यूज़ में लेके जाते हैं, तो ये देख रहे हो ये 39 यूरो की एक बोतल है। तो यहाँ से मोस्टली मेरे को महंगा ही लगा। देखो ये 3 यूरो का है, जो ये 3 और 5 यूरो के हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी मतलब एक बोले जाए तो कॉस्टली है। और ये शैम्पियन है, 10 यूरो की शैम्पियन है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये टैक्स फ्री है। और ये मार्टिनी है जो कि मैं पिछले साल लेके गया था मेरे फ्रेंड के लिए। और आगे दिखाता हूँ मैं यहाँ पे रशिया की जो मोस्ट पॉपुलर चॉकलेट है वो भी होगी यहाँ पे, और उसकी प्राइस देखते हैं। देखो प्रिंगल्स की प्राइस चेक करते हैं, प्रिंगल्स कितने के,
छोटे वाले प्रिंगल्स 2 यूरो के हैं, मतलब 150 के आस 150 नहीं 160-170 के आसपास के जो ये छोटे वाले प्रिंगल्स हैं। और ये चॉकलेट्स वगैरह रखिए, देखो 10 यूरो का है एक पैकेट। ये सब यहाँ पे ये भी मिलते हैं, रशियन डोल यहाँ पे भी। अगर किसी को गिफ्ट करना हो, करो गिफ्ट भूल गया, तो ये रशियन डोल मोस्टली गिफ्ट करते हैं यहाँ से जो है। और देखो ये वाली जो अल्कोहल है वो 2 कलर में है, कॉफ़ी वाली है, कॉफ़ी मिल्क लेसी है, और ये 28 यूरो की है ये बेसिकली। तो गाइज देख रहे हो आप यहाँ की सच्चाई, देखिए आपने, मैंने आपको सच्चाई बताई है, वो आप सोच लो कि यहाँ पे क्या है। देखो ये लिखा हुआ है ड्यूटी फ्री, बट ये मुझे नहीं लगता कि ये ड्यूटी फ्री है, बट ओके इनका कुछ अलग सिस्टम चलता होगा जो भी है। बट यहाँ पे एकदम प्योर और एकदम प्रीमियर क्वालिटी के सामान मिलते हैं आप पर, जो भी अगर आपको लेना है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जिस कंट्री से आ रहे हैं उसी कंट्री से आप उनके लिए कुछ लेके आए। यहाँ से आके ख़रीदेंगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। तो चलिए मैं चलता हूँ आपसे इनसाइड का भी दिखाऊंगा मैं, एरोप्लेन का, मैं ऑलरेडी थक गया हूँ, चलो चलते हैं। तो देखो ये हैं अक्षय भैया जो मेरे साथ आए हैं, अभी मेरे साथ जा रहे हैं, ये सीनियर है मेरे और ये भी मेरे साथ जाने वाले हैं अभी मेरी फ़्लाइट में। और मैं इनसे पहली बार मिला हूँ, एक्चुअली मैं कोटा आया था तब ये मिल नहीं पाए थे, बिजी थे उस टाइम पे, और अभी हम पहली बार मिल रहे हैं, फ़ोन पे बात होती थी। और ये आपके नाम लिखा हुआ है क्या मास्क पे? नाम लिखना पड़ता है कि आपका स्पेशल मास्क है। ओके थक गया आप अभी? बहुत ज़्यादा। अरे मेरे भी पैर थक गए, गेटों को आपसे निकला हूँ मैं और अब जाके पहुँचाऊँ। मैं मेट्रो के अंदर परेशान हो गया लगेज लेके, मेरा लगेज का टायर टूट गया था। तो चलिए ये बताओ ड्यूटी फ्री का क्या मतलब है? मैंने तो कोई सस्ती देखी नहीं। ड्यूटी फ्री का मतलब ये है कि आप फ्री होकर घूमो, यहाँ पर कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। जो अल्कोहल मैंने मैग्नेट में देखी थी अपने नशा की, वो अल्कोहल यहाँ पे बहुत महंगी होगी यूरो में। वहाँ से म्यूजियम लगा है, उसको देखा बस देखने के लिए है। अगर किसी को अच्छे के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई ज्यादा पैसे आप खर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आके लो, किसी को एक्स्ट्रा लगेज चाहिए तो यहाँ से आके लो, कुछ भी लो। बट अच्छी सबसे अच्छी टिप है कि आप रशिया से लेके आओ, बोल रहे ना 16,000 की, 16,000 में एक ब्रांड है, उससे मुझसे बोला गया भैया लेके आना है लेकर के। मैंने कहा यार 16,000 रुपये का तो मैं फ्लाइट बुक करूँगा जाना आने का। रशियन डोल है ना, मैंने मेरे फ्रेंड को दिलाई थी, वो लगभग 450 की वो पूरी डोल आ गई, जो यहाँ पे इतने महंगी मिल रही है। और इवन जो चिकन विंग्स है, जो बर्गर किंग में चिकन विंग्स है, वो भी लगभग 399 तक के आ रहे हैं, और अपने नॉर्मली वो 100 के मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना महंगा मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से मतलब बाहर से लो, बस ये एक शो पीस है यहाँ पे, एक म्यूज़ियम की जैसे दिखाने के लिए अच्छा लगता है। ओके तो मैं अभी अंदर का दिखाता हूँ, और हम थक गए हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा। देखो वहाँ से आए हैं और अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, अभी अंदर जा रहे हैं प्लेन के अंदर। मैं भी चलता हूँ प्लेन के अंदर, आपको अंदर का दिखाता हूँ और बाहर से भी आपको प्लेन का व्यू दिखाता हूँ कैसा दिखता है। देखो ये बाहर का है, जिस प्लेन में मैं जा रहा हूँ उस प्लेन का बाहर का व्यू था वो। और ये अभी हम प्लेन के अंदर जा रहे हैं, मतलब गेट के अंदर जा रहे हैं वहाँ पर, अभी वहाँ पर पास दिखा के, मतलब अपना जो ट्रेन की ट्रेन बोल रहा हूँ मैं, प्लेन का पास दिखा के, प्लेन का टिकट दिखा के हम अंदर की तरफ जा रहे हैं अभी। यहाँ पे हमारे जो एयर होस्टेस है वो चेक कर रही है। और देखो मैं आपको बाहर का सीन दिखा देता हूँ यहाँ से, जो बाहर है, एक मिनट बाहर का दिखाऊँ मैं आपको यहाँ से, कितना अच्छा नज़ारा है। ये आ रहे थे और देखो ये विंग है बाहर का, ये बाहर का विंग है, और अभी हम लाइन में खड़े हुए हैं। और जैसे ही ये आगे के क्लियर होएंगे, किनके सबका डॉक्यूमेंट चेक होएगा, उसके बाद में हमें अंदर एंट्री देंगे और वो हमको बताएंगे कि हमारी सीट है, जो सीट कौन सी जगह है, पूरा हमें लेके जाएंगे। अगर हमें पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता, तो जो एयर होस्टेस खड़ी हुई है ये पूरी हेल्प करती है कि आपको किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है। इसमें टिकट में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। देखो ये है जो प्लेन है ना, वो बाहर से ऐसा दिख रहा है जो मेरा प्लेन है। अभी हम चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो मैं आ गया हूँ प्लेन के अंदर, और ये है प्लेन के अंदर का व्यू। और ये जो मेरी सीट है, पीछे कर लेते हैं इसको एक बार। देखो ये सीट है और ये सीट बेल्ट है, और इसके अंदर ये रिमोट है। देखो रिमोट ये सब चलता है, ये भी टीवी वगैरह सब चलता है, सबका पर्सनल रहता है। जैसे अभी ये प्लेन हवा में जाएगा तब ये सब कुछ ऑन हो जाएगा, आप कुछ भी देख सकते सुन सकते। देखो यहाँ पे सब लगेज रख रही है, बाहर का सीन है यहाँ का। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अंदर और आके बैठा हूँ, अभी जा रहा हूँ इंडिया। बहुत मतलब एक्साइटमेंट हूँ इंडिया जाने के लिए। ज़्यादातर मोस्टली इंडियंस ही दिख रहे हैं मेरे को सब, शायद अभी छुट्टियों में सब घर जा रहे हैं अपने अपने।
तो देखते हैं यहाँ पे, एक्चुअली अलाउ नहीं कर रहे थे मेरे को वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने रोका था बट मैं बनाने लगे। देखो बाहर का व्यू है, ये दूसरा प्लेन खड़ा हुआ है और ये मोस्टली इंडियंस ही है यहाँ पे। देखो अभी Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. ये मैंने अभी जूस लिया है, इसके अंदर जूस देने आए थे, जूस वाइन वगैरह, किसी को वाइन चाहिए तो वाइन ले सकते हैं। मैं देख रहा हूँ जूस लिया है मैंने अभी, ये टमाटो जूस है और एप्पल जूस और हर तरह का जूस है। पूछती पानी के लिए कुछ तो ये खाना मिला है अभी, कुछ सलाद है, ये बटर वगैरह है, बटर और चीज़ ब्रेड और सलाद और कुछ सब्जी वगैरह टिश्यू पेपर है और इसमें चाय आएगी, चाय या कॉफ़ी। और मैं यहाँ पे टीवी देखता हुआ, मतलब जो भी टीवी लग रही है उसको देखता हुआ उनको खा रहा हूँ। सो ये लंच मतलब ब्रेकफास्ट के पास है, लंच है अभी, क्योंकि अलग अलग में कोई मैं तीन बार मिलता है, कोई मैं चार बार मिलता है। अभी मेरे पास जूस आया था, अभी आया है ये मेरा दोस्त मिला है मेरे को। अभी एक मैं इस पर फोकस कर दूँ, ये मुस्लिम है तो इनका खाना इन्होंने पहले से प्री ऑर्डर कर दिया था, ये हलाल है और ये मुस्लिम अभी है। देखो ये और देखो अभी सुबह हो गई है बाहर, और मैं खाना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, ये भी खाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अभी खाना खाया है, इसने भी खाया है और हमने भी खाया है, और अभी हम आपको दिखाता हूँ अभी मॉस्को से दिल्ली। ऑलरेडी 3 घंटे हम सफ़र कर चुके हैं और 2 घंटे 15 मिनट अब 15 से 17 मिनट और बच रहे हैं। और बाहर देखो कितना मस्त था, वो क्लाउड दिखाता हूँ मैं आज ऊपर से। सिगरेट है कोई सी भी सिगरेट हो, और लगभग बहुत है जो वाइन पी रहे हैं यहाँ पे अभी। सो मैं भी फ्रेश होने आया हूँ, चलो यहाँ पे अभी मैं जब यहाँ पे कोलगेट करूँगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये ब्रश निकली है और ये कोलगेट इसके अंदर निकला है, और इसको बोला कि इसके अंदर डाल दिए है गार्बेज, जो डस्टबिन है ना वो इसमें सिगरेट अलाउ नहीं है। Stay close to my side, we're burning so bright. Oh, 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 oh.
with me. Время 8:50 минут. Температура воздуха плюс 36 градусов по Цельсию. Просим вас оставаться на своих местах под застегнутыми ремнями безопасности. В течение любого удобства при выходе из самолета не забывайте перед вами. खाना वाना खाने के लिए ऐसा होता है ओके, और ये इसका बटन है रिमोट, रिमोट इसके पीछे आप गेम भी खेल सकते हैं, गेम का भी है। देखो ये इसके ईयरफोन है, चार्जिंग केबल। गाइस फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ पे, और अभी हमारे स्पेस स्टाम्प लगा था जो बोर्डिंग पास था, और अभी मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ मैं आगे क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे भी कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। सो एक बार पूछता हूँ, सब कुछ बताता हूँ वो क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या करना पड़ा मेरे को। ओके, तो लेना है इसको, हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, हमने इसकी हेल्प करी है, इसने मेरे को चॉकलेट दी है। ये अपने हस्बैंड से मिलने आई है, ये रशियन की बेस्ट चॉकलेट है। ओके, इस पर शो है, तो मैं आ गया हूँ गाइस, अभी देखो यहाँ पे मैं चेकिंग कराऊँगा और फिर आगे की तरफ प्रोसेस करूँगा। ओके, अभी एयरपोर्ट पे लाइन लगी हुई है, एग्जिट होने के टाइम पे मैं खड़ा हुआ हूँ, देखो बहुत लंबी लाइन है आगे तक, और ये मेरा लगेज लेके मैं वेट कर रहा हूँ, देख लेते हैं लंबी लाइन है मेरा, अभी आगे जाके पता चलेगा, शायद कोरोना टेस्ट होएगा 800 कुछ मैं सुनने में आया है, बट आगे जाके सब कुछ बताता हूँ मैं। ये एयरपोर्ट पे हूँ मैं, ये वे आउट है यहाँ से, और वहाँ पे ड्यूटी फ्री के सामान मिलता है, पर वही एक्सपेंसिव, देखो सब ड्यूटी फ्री के सामान है। ओके, देखो ये सब, मैं पहुँच गया अभी, और ये इसका हस्बैंड यहीं पर रहता है, और इसको हेल्प चाहिए थी, इसको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, तो मैंने इसकी हेल्प कर दी है, और ये बाहर इसको पता नहीं कौन से गेट पर जाना है, तो मैं इसको बता दूँ, मैं भी उधर से निकल जाऊँगा। पहुँच गया अभी, सो अभी एक सरप्राइज़ है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बोल रहे इसका जी, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, स्पसीबा।